आज तक किसी देवता और दैत्य की समझ में नहीं आया होगा, पर मेरी समझ में आ गया। इंद्र, जिस विराट सत्य को मैं समझ गया हूं, क्या तुम भी समझ सके हो? कौन सा विराट सत्य अंधकासुर? यही कि तुम और तुम्हारे देवता स्वर्ग सिंहासन को त्याग करने के लिए कभी तैयार क्यों नहीं हुए, और हमारे पूर्वज दैत्य स्वर्ग पर अधिकार और प्रवेश पाने के लिए सदा लालायित क्यों रहे? इन अप्सराओं के कारण से तुम देवताओं को भी अप्सराएं चाहिए और हम दैत्यों को भी। शेष सारे विषयों पर हमारे मतभेद हैं, किंतु अप्सराओं के विषय पर हम एक मत हैं। ये तुम्हारे मन को मोहती हैं, किंतु हमारे तो मन तन के कण कण को मोहित करती हैं। तुम तो साक्षात लहराता हुआ सागर हो। तुम्हारे रूप की मदिरा तो हमारे नेत्र पी ही रहे। ये मृग जैसे नयन, ये लता के समान झूमती तुम्हारी ग्रीवा, इन्हें देखने के पश्चात अन्य किसी मदिरा की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अरे, ये कोमल फूल ने ढेर सारे फूलों का बोझ उठा रखा है। ये फूल सा बदन यदि फूलों के बोझ से बेडौल हो गया तो हमारा स्वर्ग तक आना व्यर्थ हो जाएगा। यदि बोझ उठाना ही है तो हमारे प्रेम का बोझ उठाओ। सुंदरी, तुम्हारी इस कंचन काया को देखकर इन फलों की ओर देखने की इच्छा ही नहीं करती। इंद्र, जब जब असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार किया है, सदा तुम्हें स्वर्ग सिंहासन से वंचित कर स्वर्ग से खदेड़ दिया है, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। परंतु ऐसा करने के लिए इंद्र, तुम्हें हमारी दासता स्वीकार करनी होगी। जिस प्रकार सम्राट के अधीन राजा सम्राट को कर चुकाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी हमारा करदाता बनना होगा। तुम किस कर की बात कर रहे हो अंधकासुर? एक तो ये सुंदर अप्सराए हमारी राज्यसभा की शोभा बनेंगी, दूसरे यज्ञों से तुम्हें प्राप्त निश्चित भाग पर हमारा अधिकार होगा, बाकी यज्ञों के प्रभाव से हम सुरक्षित रह सके। क्या सोच रहे हो? यही कि इसके लिए मुझे देवगुरु बृहस्पति वैदेव परिषद से विचार विनिमय करना होगा। अंधक किसी को सोच विचार करने का समय नहीं देता। सोच विचार करने का अर्थ है कि जो हमने कहा है वो तुम्हें उचित नहीं लगा। यदि ऐसा है तो हम तुम्हें तुरंत बंदी बनाकर पृथ्वी के बंदी गृह में डाल देंगे और स्वयं स्वर्ग सिंहासन पर आसीन हो जाएंगे। हमारी बात ध्यान से सुनो इंद्र, ब्रह्मदेव से हमें प्राप्त वरदान के कारण देवताओं की शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। यदि हमसे टकराने का साहस किया गया तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। नहीं दैत्यराज, नहीं, हम आपसे टकराने के इच्छुक नहीं हैं। मैं सहर्ष आपका करदाता बनना स्वीकार करता हूं, और आज से ये अप्सराएं आपके अधिकार में हैं। तुमने आज बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है इंद्र, आज से ये सभी अप्सराएं हमारी दास्ता में रहेंगी।